Assalamualaikum students, today we will start lecture number 3 from chapter number 6 of first year biology. Our next topic is respiration in bacteria. Respiration ke lafz ko aksar students confuse karte hain saans lene se. General terminology mein saans lene ko respiration kehte hain, par uske liye proper word hai breathing. Yahan scientifically speaking respiration ka matlab hota hai ग्लूकोज के मालिक्यूल को मेटाबोलाइज करना, रिस्पायर करना. क्योंकि ग्लूकोज का मालिक्यूल जब रिस्पायर होता है तो उसे एटीपी का मालिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल जनरेट होते हैं. और सेल कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल देता है, सेल डजंट एक्चुअली नीड दैट. लेकिन जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर मालिक्यूल है या एटीपी का मालिक्यूल है तो वो सेल अपने अंदर रखता है. लेट मी रिपीट इट कि सेल के अंदर जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है तो एंड रिजल्ट में तीन चीजें बनती हैं. ए मालिक्यूल ऑफ वाटर विच सेल इज रिक्वायरिंग, ए वाटर मालिक्यूल ऑफ एटीपी विच आल्सो सेल इज रिक्वायरिंग, एंड द थर्ड मालिक्यूल प्रोड्यूस इज द वाटर मालिक्यूल, इज द मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट सेल वुड नॉट रिक्वायर. तो सेल उसको निकाल देगा. तो यहाँ रिस्पायरेशन का मतलब होता है टू रिस्पायर द ग्लूकोज मालिक्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मालिक्यूल. नाउ रिस्पायरेशन की दो किस्में होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन. इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑलवेज ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न द ग्लूकोज मालिक्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. एज फार एज एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज कंसर्न, सो हियर ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड. सो ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ये एरोबिक प्रोसेस है, और जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती तो ये एनएरोबिक प्रोसेस है. नाउ बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं एज एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया. एंड नाउ इट्स ईजी फॉर यू टू रिप्लाई कि वॉट इज एरोबिक बैक्टीरिया. Answer is very simple. A bacteria that would need oxygen to break the glucose molecule, वो उसको हम फिर aerobic bacteria कहेंगे. ऐसा bacteria जिसको glucose respire करने के लिए oxygen की जरूरत पड़ती है तो ये aerobic. और ऐसे bacteria जिनको जरूरत नहीं पड़ती oxygen की ये anaerobic हैं. और इन anaerobic bacteria की अच्छी खासी species हैं. तो सम बैक्टीरिया आर एरोबिक एंड सम बैक्टीरिया आर एनएरोबिक. लेकिन इसको मजीद भी क्लासिफाई है सच एज ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी ये वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनके लिए लाजमी है कि उन्हें ऑक्सीजन मिले. आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी सस्पेंशन में बैक्टीरिया डाले और बैक्टीरिया पूरे में भी मिल सकते थे ट्यूब में, लेकिन दे केम अप ऑन द सरफेस ऑफ दिस ट्यूब, क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ दिस ट्यूब लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल. तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको लाजमन ऑक्सीजन चाहिए ये ऑब्लिगेटरी एरोब्स है. दूसरे होते हैं ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स, यानी इन्हें इज्जत रास नहीं आती, इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये ऊपर की बजाय ये बॉटम में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. जैसे जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. तो जिनको ऑक्सीजन लाजमन चाहिए ये ऑब्लिगेटरी एरोब्स हैं, और जिन्हें लाजमन नहीं चाहिए, चाहे अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो जिनको नहीं चाहिए ये ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स हैं. फैकल्टेटिव एनएरोब्स बेसिकली एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, लेकिन दे आर ओके, ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक है और ऑक्सीजन ना मिले तो भी ठीक है. तो दे हैव गॉट चॉइस टू एंजॉय देयर रिस्पायरेशन, दे कैन डू द रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ये फैकल्टेटिव है, यानी इनके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये आपके किताब में नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा. माइक्रो एरोफिलिक आपकी किताब में है. माइक्रो का सीधा सीधा मतलब है कि माइन्यूट मकदार में इनको ऑक्सीजन चाहिए. तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, जैसे थोड़ा नीचे जाए तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन माइन्यूट हो जाती है,
तो ये यहाँ पे रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेटरी एरोब को ऑक्सीजन लाजमन चाहिए, ऑब्लिगेटरी एनारोब्स को लाजमन नहीं चाहिए। फैकल्टेटिव विल बी हैप्पी दिस वे और दैट वे, और माइक्रो एरोफिलिक जो है वो इनको थोड़ी सी मकदार में ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो ये ग्लूकोज को रिस्पायर करेंगे। सो दिस इज हाउ बैक्टीरिया रिस्पायर देयर ग्लूकोज, एंड उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए भी और ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए, या तो लाजमन ऑक्सीजन चाहिए पर लाजमन नहीं भी चाहिए। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। शुरू में आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लेजिला का स्ट्रक्चर होता है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक जानब भी हो सकता है और हर जानब भी हो सकता है। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिलम या फ्लेजिला होंगे वो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे, और जिनमें फ्लेजिलम या फ्लेजिला का स्ट्रक्चर नहीं होगा वो बैक्टीरिया सेसाइल होंगे। तो बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल एंड फॉर दिस दे नीड फ्लेजिलम और फ्लेजिला, एंड दोज बैक्टीरिया विच आर विदाउट फ्लेजिलम और विदाउट फ्लेजिला दे आर सेसाइल। आपको बताया था कि कोकस बैक्टीरिया में फ्लेजिलम नहीं होता तो ये सेसाइल हैं, और बेसिलस बैक्टीरिया में फ्लेजिलम होता है तो ये बैक्टीरिया जो है ना मोटाइल है। तो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल हैं और कुछ बैक्टीरिया सेसाइल हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल हैं वो किसी न किसी ड्राइविंग फोर्स के जरिए उनकी मोटिलिटी होती है। देयर इज ऑलवेज सम स्टिमुलेशन, मसलन आप वॉशरूम तब जाते हैं ना जब आपको ख्वाहिश हो, फ्रिज की तरफ भी तब जाते हैं ना जब आपको प्यास लगे, धूप तपा रही है तो छांव की तरफ जाएंगे तो धूप आपके लिए स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, और सर्दियों में अगर छांव आपको पसंद नहीं है तो उसको छोड़ के धूप में चले जाएंगे तो फिर। तो देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर विच विल कन्विंस दैट ऑर्गेनिज्म टू मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलेशन और अवे फ्रॉम द स्टिमुलेशन। अब इसको टुवर्ड्स और अवे को मैं समझाना चाहता हूँ। गर्मी के का महीना है, जुलाई 3rd है आज। अगर आप तो धूप में खड़े तो धूप में खड़े रहना पसंद करेंगे गर्मी के अंदर? नो। तो आप छांव की तरफ मूव होंगे, तो मूविंग टुवर्ड्स छांव इज टुवर्ड्स, और धूप के अगेंस्ट में गए तो ये अगेंस्ट हो गया। तो जब आपको कोई चीज स्टिमुलेट करती है उससे दूर भागते हैं तो ये यू आर मूविंग अवे, और उसकी तरफ जाते हैं तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी आपको समझाते हैं कि यू हैव जस्ट रीच एट होम, और आपकी छोटी सिस्टर, आपका छोटा भाई आपको गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यू विल मूव टुवर्ड्स दैट योर सिस्टर और ब्रदर, तो ये मूविंग टुवर्ड्स है। लेकिन गली में जा रहे हैं और कोई पागल कुत्ता आपके पीछे चला गया तो कुत्ते की तरफ तो नहीं जाएंगे ना, यू विल मूव अगेंस्ट। तो मूविंग टुवर्ड्स स्टिमुलेशन एंड मूविंग अगेंस्ट स्टिमुलेशन इज बोथ मोटिलिटी। अब फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया दे आर अफेक्टेड एंड अट्रैक्टेड बाय द लाइट। अब मुझे बताएं कि अगर कमरे में अंधेरा है, सुबह का वक्त हो गया है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपके कमरे में है तो अंधेरे में रहेंगे या वो बाहर की तरफ जाएंगे रोशनी? तो मूविंग टुवर्ड्स लाइट इज फोटोटैक्टिक एक्टिविटी, और ये अवे भी हो सकती है, टुवर्ड्स भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है। कीमोटैक्टिक, अब इसकी मैं दूसरी मिसाल दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आप मुंह से आधी चुसी हुई टॉफी ग्राउंड पे फेंक दें, विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं से मक्खियां उसके आपको बैठ जाएंगी, उस चुसी हुई आधी टॉफी के ऊपर मक्खियां बैठ जाएंगी। वो बड़ी है, नजर आ रही है, बैठते तो वैसे वहां बैक्टीरिया भी है। अगर किसी बैक्टीरिया को कोई केमिकल अट्रैक्ट करता है और वो उस केमिकल की तरफ अगर वो उसकी तरफ मूव करता है तो ये कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया होगा। याद रखें कि केमिकल पे डिपेंड करता है, अगर कोई शुगर सब्सटेंस है तो बैक्टीरिया उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अगर पॉइजन है तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो पॉइजन भी तो केमिकल है ना। तो मूविंग टुवर्ड्स और अगेंस्ट द केमिकल इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया।
टेम्परेचर को बड़ा इफेक्ट देखा गया टेम्परेचर का बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया कहलाएंगे थर्मोटैक्टिक। अब ये आपको अफ्रीका की हॉट स्प्रिंग्स नजर आ रही है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बैक्टीरिया इसके दूर जाएंगे, यकीनन दूर जाएंगे, तो ये थर्मोटैक्टिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर से इंप्रेस होके आप उससे दूर हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको चलना पड़ेगा, मोटाइल होना पड़ेगा, और टूवर्ड्स आ रहे हैं तो भी आपको मोटाइल होना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स और मूविंग अगेंस्ट एनी स्टिमुलेशन इज मोटिलिटी, और ये फोटोटैक्टिक हो सकती है, ये थर्मोटैक्टिक हो सकती है, और ये कीमोटैक्टिक हो सकती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जमीन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मोटिलिटी के लिए, तो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन चार किस्म के होते हैं, एक हो गए फोटोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक, मैग्नेटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। यानी यहाँ पर स्टिमुलेशन की बुनियाद पे आप मोटिलिटी को एक टर्म देंगे, थर्मोटैक्टिक माना गर्मी की वजह से, कीमोटैक्टिक माना केमिकल की वजह से, फोटोटैक्टिक माना लाइट। Now we are moving to next topic, that is growth in bacteria. अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ ग्रोथ का मतलब छोटे से बड़ा होना नहीं है, आप जब छोटे से बड़े होते हैं तो ये भी तो ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ का मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। मियाँ बीवी शादी के बाद क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, उनकी फैमिली साइज इंक्रीज होती है, तो बैक्टीरिया भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, हम इंसान तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, बैक्टीरिया के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है और तीन तरह के प्रोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, तो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, हमसे कहीं ज्यादा वो पॉपुलेशन की ग्रोथ करते हैं। तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ चार फेजेस में मैं आपको समझाने लगा हूं, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ डिक्लाइन फेज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई फैमिली, कोई कपल बच्चे पैदा करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पहले शादी करेगा, यू विल गेट प्रिपेयर फॉर द मैरिज, और वंस आपकी मैरिज हो गई तो फिर आप अपना काम दिखाएंगे। बैक्टीरिया के पास भी यही होता है, लेग फेज में बैक्टीरिया अपने सेल डिवीजन की तैयारी करते हैं, दे प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है तो उसमें से दो निकलते हैं, दो से फिर चार, फिर आठ, फिर सोलह, फिर बत्तीस, फिर चौसठ, फिर ऑनवर्ड्स, किस्सा मुख्तसर है। फेज ऐसा फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने सेल डिवीजन की तैयारी करते हैं, लेग फेज, बैक्टीरिया प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर द सेल डिवीजन, प्रिपेयर हो गए तो दूसरा फेज होगा लॉग फेज, इसमें बैक्टीरिया अपनी आबादी बढ़ाएंगे यानी ग्रोथ बढ़ेगी। तीसरा होता है स्टेशनरी फेज, माना इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रुक जाती है, यानी आज अगर 100 बैक्टीरिया पैदा हुए तो पहले वाले जो 100 पैदा हुए थे वो मर भी जाएंगे, तो डेथ होती है उतने बैक्टीरिया की जितने बैक्टीरिया की रोजाना पैदावार होती है, तो यानी यहां पर पॉपुलेशन उनकी रुक जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। और चौथा है डेथ डिक्लाइन फेज, इसमें क्या होता है कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जनरली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि जो पहले से पैदा हुए उनके अंदर डेथ बहुत आ जाती है, तो इनकी पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन हो जाती है। तो लेग फेज में सेल डिवीजन को प्रिपेयर किया जाता है, बैक्टीरिया प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर सेल डिवीजन, लॉग में सिलसिला शुरू हो जाता है पॉपुलेशन बढ़ने का, स्टेशनरी फेज में जितने पैदा हुए उतने मरेंगे भी, और डेथ डिक्लाइन फेज में इसका मुख्तसर। तो वही ग्राफ है, यानी लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ और डिक्लाइन फेज, इस फेज में सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है, इस फेज में पॉपुलेशन बढ़ती है, इसमें पॉपुलेशन न घटती है न बढ़ती है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना, और डेथ डिक्लाइन फेज में ये
बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। सेम ग्राफ है, स्टेशनरी फेज ये देखें, बीच वाला है स्टेशनरी फेज, यानी ये कर्व है जो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है और इसमें कोई भी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। और डेथ डिक्लाइन फेज में कर्व नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि बैक्टीरिया की सेल डिवीजन रुक गई है और जो पहले से पैदाशुदा बैक्टीरिया है वो मर रहे हैं। तो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो चार तरीकों में समझी जा सकती है, दैट इज लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ और डे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम अगला लेक्चर जो लेंगे चैप्टर नंबर 4 है, और जो सॉरी हम जो अगला लेक्चर लेंगे वो चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 है, और उसमें हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।